आखिरी बार तितली को कब देखा था आपने? मैं ये भूत भूत को नहीं मानता। जिस चीज को देखा ही नहीं उससे क्या करना? मेरी बात मानो, हम बहुत गलत कर रहे हैं। क्या यहाँ पे अचानक कोई मर गया था? हो सकता है। उस कमरे में किसी का फिर जाना खतरे से खाली नहीं। क्या फिल्म में होगा कार्तिक के अलावा भी कोई और कास्ट? क्यों भूषण कुमार कर रहे हैं दो हीरो स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, अगर कंपटीशन की बात की जाए तो फिर वो रियल लाइफ में हो या फिर फिल्मों में हो, हर जगह यही देखने को मिलता है कि एक इंसान कैसे दूसरे को धक्का देकर आगे निकलने की कोशिश करता है। अब अगर ये बात फिल्मों में हो तो फिर एग्जिस्टिंग हीरो को अपनी काबिलियत पर शक होने लगता है। अब देखिए, फिल्म में किसी और को लेना ना लेना ये तो पूरा मेकर्स के ऊपर है, लेकिन इस बात से पड़ जाती है मेकर्स और एक्टर के बीच में एक गांठ, और ये सालों साल बढ़ती ही जाती है। अब अगर हम थोड़ी देर के लिए मेकर्स को साइड में रखकर ये सोचें कि उस एक्टर को कैसा लगता होगा जब कोई और उसे रिप्लेस कर देता है या फिर उसके साथ किसी और एक हीरो को कास्ट किया जाता है। अब अगर बात की जाए भूल भुलैया 3 फिल्म की, तो इस फिल्म में कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से आप अगर ये न्यूज़ सुनेंगे तो आप शॉक रह जाएंगे। दरअसल इस फिल्म में कहानी में कोई ट्विस्ट आने वाला है, इसीलिए मेकर्स ने ये डिसाइड किया है कि वो और एक हीरो को कार्तिक आर्यन के साथ कास्ट करेंगे। अब भाई, कार्तिक ने तो भूल भुलैया 2 की सक्सेस के बाद सोचा था कि वो तीसरी फिल्म भी अकेले ही संभाल लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। मेकर्स को चाहिए एक और हीरो क्योंकि कहानी में इस तरीके के ट्विस्ट हैं। अब ये भी सुनने में आया है कि मेकर्स ने अप्रोच किया है वरुण धवन को और वो इसकी स्क्रिप्ट पढ़ना स्टार्ट भी कर चुके हैं। तो अब अगर उन्हें ये कहानी पसंद आती है तो वो ज़रूर इस फिल्म का हिस्सा बनेंगे। तो देखते हैं भूल भुलैया 3 में ऐसा क्या होता है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज की स्क्रिप्ट लिखी है दीक्षा ने।